सब्सक्राइब करें बस स्टडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्टडी टेक। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना बस स्टडी टेक चैनल जिस पर इस वीडियो के साथ हमारे 400 वीडियोस कंप्लीट होने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपके मोटिवेशनल कमेंट, आपके लाइक्स हमें इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए डेली वीडियोज बना पाऊँ। कल मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे आज के इस 399th वीडियो के बाद जो कल 400th वीडियो यहां पर आएगा उसमें मैं आपके द्वारा पोस्ट की गई क्वेरीज और क्वेश्चंस को शोकेस करूंगा और उनके आंसर्स करूंगा। तो काफी सारे कमेंट एंड क्वेरीज मेरे पास आई, तो वो क्वेरीज मैं आपके पास लेकर आया हूं, पूरी लिस्ट मैंने यहां पर रेडी करी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या कमेंट है और क्या क्या क्वेरीज है। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर कमेंट है और कमेंट के अंदर क्वेरी है, ये है टेक्निकल स्किल हिंदी में, और जो लिखते हैं माय क्वेश्चन इज लैपटॉप टू लैपटॉप डेटा शेयर कैसे किया जाए विदाउट लैन केबल और लैपटॉप टू डेस्कटॉप डेटा शेयर कैसे किया जाए यूजिंग वाईफाई। तो दोस्तों, लैपटॉप टू लैपटॉप अगर आपको डेटा शेयर करना है विदाउट लैन केबल तो आप यूएसबी केबल का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मेल टू मेल आपके पास यूएसबी केबल आती है कुछ इस तरह की, 150 से 200 रुपए तक की आ जाती है, प्लग एंड प्ले सर्विस होती है। हाँ, जस्ट इसको खरीदने से पहले आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये कितने मैक्सिमम कितने मेमोरी तक की हार्ड डिस्क को सपोर्ट करती है, तो आप इस केबल का यूज ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन बचते हैं वो वायरलेस ही बचते हैं, जिसमें आप एक कॉमन राउटर की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं वायरलेसली। इसके लिए पहला तो होता है कि आपको कंट्रोल पैनल में जाके वायरलेस एंड प्रिंटर सेटिंग्स से दोनों लैपटॉप को आपस में पेयर करना होगा, जिससे कि आप एक दूसरे पर डेटा ट्रांसफर कर पाएं। दूसरा ऑप्शन वायरलेस डेटा ट्रांसफर का आप ये कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, कि आप थर्ड पार्टी टूल का यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल में कई तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स यहाँ पर आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टूल अगर बताऊं तो आप आईपी मैसेंजर का यूज ले सकते हैं, बहुत छोटा सा टूल है, 1 से 2 MB का ही टूल है, जस्ट आपको इसको इंस्टॉल करना है दोनों ही लैपटॉप्स या फिर सिस्टम्स में, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप कनेक्ट करेंगे, पेयर करेंगे, पेयर करने के बाद आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी क्वेरी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, जो कि हमसे पूछते हैं के। अगर आप अपना नेम हमें मेंशन कर देंगे तो आपसे रूबरू होने में या फिर कॉन्वर्सेशन करने में, एक कनेक्शन बनाने में हमें इजी रहेगा। तो यहाँ पर के पूछते हैं, सर प्लीज टेल अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज फ्री विदाउट वाटरमार्क। गाइज, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है, बहुत लोग पूछते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कौन सा बेस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल नहीं होता, सिर्फ आपके स्किल्स ही प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं जुगाड़ करने के, एडिटिंग करने के, ग्राफिक्स के साथ खेलने के, तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर से एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत बेसिक फीचर के साथ आप एक अच्छा वीडियो बना पाते हैं, तो उनमें आप यूज कर सकते हैं फिल्मोरा और कैमटेशिया, और अगर आप मोबाइल से एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप काइनमास्टर यूज कर सकते हैं, और ज्यादा प्रो लेवल की अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप आफ्टर इफेक्ट या फिर अडोब प्रीमियर यूज कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी टाइप के वीडियोस बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट पर, नेक्स्ट क्वेरी पर, जो लिखते हैं संदीप दास जी। ये लिखते हैं, सर होप यू विल वॉच माय कमेंट। डेफिनेटली मैं हर एक कमेंट वॉच करता हूँ, पर्सनली देखता हूँ, लाइक करता हूँ, हार्ट शेयर करता हूँ उन पर, और मेरी कोशिश रहती है कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तो यहाँ पर इनका सवाल है, माय क्वेश्चन इज कैन वी इंस्टॉल MIUI बाय अनइंस्टॉलिंग कलर OS बट विदाउट रूटिंग माय डिवाइस एंड लूजिंग माय डेटा। संदीप दास जी की इस क्वेरी पर एक कमेंट भी आया, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। प्रियांक प्रजापति लिखते हैं, विदाउट रूट इट इज इम्पॉसिबल, विद रूट यू कैन फ्लैश अ कस्टम रोम। काफी हद तक मैं प्रियांक प्रजापति की बात से सहमत हूँ, विदाउट रूट आप कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि आप कलर OS से MIUI में स्विच करना चाहते हैं, तो जहां तक मैं जानता हूँ कलर OS के डेवलपर्स जो है वो ओप्पो एंड रियलमी हैं, और रियलमी और ओप्पो ने ऐसी कोई आपको सुविधा नहीं दे रखी है कि आप विदाउट रूट उसमें OS चेंज कर पाएं या फिर कस्टम रोम इंस्टॉल कर पाएं। हाँ, कुछ डिवाइसेस ऐसी जरूर हैं कि वो आपको फैसिलिटी देती हैं कि विदाउट रूट आप उनमें कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ओप्पो और रियलमी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं प्रियंक प्रजापति की बात से यहाँ पर सहमत हूँ। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। हिमांशु यादव, सर यू मेक ऑसम कंटेंट विच आई थिंक नॉट प्रेजेंट ऑन एनी अदर चैनल। थैंक यू सो मच हिमांशु, इस तरह के कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं और ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोज बनाने के लिए, सो थैंक यू सो मच। इसके बाद चलते हैं, अगला कमेंट है नमश अग्रवाल।
ये लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑसम, ये लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑसम, रियली हैप्पी फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नमश आपके इतने सराहनीय कमेंट के लिए, ये हमें मोटिवेट करते हैं रियली really, बहुत अच्छा फील होता है ये पढ़ के जब हम किसी की हेल्प कर पाते हैं। आपका सवाल है आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर और अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर एंड रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और स्पेशलिस्ट। तो नमस्ते, इसके लिए मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इन दोनों ही पोस्ट के बारे में, इन दोनों ही डेजिग्नेशन के बारे में मैं आपको देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट दो ऐसी पोस्ट हैं जो आज की डेट में साथ में मिलकर भी वर्क कर रही हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में एआई का रोल काफी ज्यादा प्ले होने लगा है। अब एआई ही साइबर सिक्योरिटी का भी काम करने लगा है। अब यहां पर बात आती है कि आप कहां से शुरू करें। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको किससे शुरुआत करनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर साइबर सिक्योरिटी से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह के लॉजिक्स आप बहुत जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको लॉजिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिर साइंटिफिक हो। तो आपको वो लॉजिक्स अप्लाई करने के बाद ही आप अपना डिजायर्ड आउटपुट किसी मशीन से या फिर किसी सॉफ्टवेयर से आप पा सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, तो ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको डेटा के साथ काम करना पड़ता है। अगर आपका स्किल ऐसा है या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने का है, काफी सारा डेटा है, आप उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल पर। अगर आपको डेटा से प्यार है, डेटा में आप घुसकर डेटा फाइंड कर सकते हैं, तो आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं। अदरवाइज आप लॉजिक्स अगर आपके स्ट्रांग है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट करें। बाकी दोनों के लिए ही आपको जरूरत है एक सीएस बैकग्राउंड की, जिसमें आपकी जो रुचि है वो सॉफ्टवेयर्स में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में हो, तो दोनों के लिए आपको इस चीज की जरूरत है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जावा अपनी स्ट्रांग रखें और पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, आई होप कि आपको हेल्प करेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जयप्रकाश बिस्वाल ये लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर, देन नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल हिंदी में, कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल सर, सौरभ राठौर कॉन्ग्रेट सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू, क्योंकि आपकी वजह से ही हम 400 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। टॉप मूवी क्लिप हिंदी ये है चैनल का नेम, और ये लिखते हैं सर मुझे लैपटॉप के इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह यूज करने के लिए बेस्ट एक्सटर्नल पोर्टेबल केस बताएं। अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाता है और आप चाहते हैं कि उसकी हार्ड डिस्क को आप एज एक्सटर्नल ड्राइव में यूज कर सके, तो आप उसके लिए एक हार्ड डिस्क केस यूज कर सकते हैं, जो कि साटा टू यूएसबी केस अवेलेबल रहता है मार्केट में। कुछ इस तरीके का केस होता है जिसके अंदर लैपटॉप की हार्ड डिस्क है और एक यूएसबी केबल लगी हुई है। अगर आपके लैपटॉप में 3.0 पोर्ट है यूएसबी का, तो आप 3.0 केस लें, और अगर 2.0 है तो आप 2.0 लें, तो इससे आपकी स्पीड वैरी करेगी। अगर आप 3.0 लेते हैं तो अच्छी डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको मिलेगी। कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं है, जस्ट एक बॉक्स होता है और एक कनेक्टर होता है, तो बहुत ज्यादा इसमें आपको डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। 250 से 300 वाला आप कोई सा भी आप हार्ड डिस्क केस ले सकते हैं। बाकी लिंक फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, और ये हैं प्रियांक प्रजापति जी, और ये लिखते हैं लव योर वीडियो सर, और सवाल है इनका प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डाउनलोड एनी स्ट्रीमिंग वीडियो। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट मैं आपको एक चीज साफ साफ क्लियर कर दूं, एनी स्ट्रीमिंग वीडियो इज नॉट ओके हियर। आप हर कोई स्ट्रीमिंग वीडियो लीगली डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जितने भी कंपनी है हॉटस्टार नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हर तरह की स्ट्रीमिंग वीडियो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेवलपिंग के टाइम पर इस तरह से सिक्योर किए जाते हैं कि आप इनको डाउनलोड ना कर पाए। हालांकि काफी सारे ऐसे तरीके होते हैं, काफी सारे ऐसे ग्लिच होते हैं कि फिर भी लोग इनको डाउनलोड कर लेते हैं, बट आई विल टेल यू इन अदर वीडियो लीगली आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सूरज कुमार, ये लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, काफी सारे क्वेश्चन हैं इनके। माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, वर्चुअल रैम रियल में वर्क करता है क्या? जवाब है हाँ, डेफिनेटली। वर्चुअल रैम एक डेटा मैनेजमेंट टेक्निक है जिसकी मदद से
रैम अपने आप को पेज फाइल क्रिएट करने के लिए फ्री कर लेती है और अपने अंदर स्पेस बना लेती है, जिससे आप ज्यादा प्रोग्राम रैम के थ्रू, तो वर्चुअल रैम आपकी डेफिनेटली हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डाउनलोडेड एमएस ऑफिस 2016, वो डाउनलोड के साथ ही एक्टिवेट हो गया बिना कुछ किए, गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि ऑटो एक्टिव फंक्शन है, प्लीज इसके बारे में वीडियो में बताएं। सूरज, इसके बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तब आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। हाँ, गूगल पर ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर वो स्टोर करके रखते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग की हेल्प से उनको क्रिएट किया जाता है, तो वो आपने अगर डाउनलोड किया है तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली प्री एक्टिवेटेड होते हैं, इंस्टॉल एक्टिवेटेड ही होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने अपने सिस्टम में पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो तो और उसकी की अप्लाई करी हो तो वो ऑटोमेटिकली लेता है अगर आप उसको वापस इंस्टॉल करते हैं कैशेस से। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं कि आपने अगर प्री एक्टिवेटेड एमएस ऑफिस 2016 डाउनलोड किया है तो वो प्री एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड रहता है। इसके बाद आपका सवाल है, RT7 लाइट विंडोज 10 का कौन सा फाइल डिलीट करेंगे कि विंडोज 10 2GB में ही स्मूथली वर्क करे। RT7 लाइट की बात करें तो जहां तक मेरी नॉलेज है ये एक थर्ड पार्टी टूल है विंडोज 7 के लिए, जो कि विंडोज 7 को ऑप्टिमाइज करने के लिए है। एक एज अ जैसे एप्लीकेशन के दो वर्जन आते हैं, फेसबुक एंड फेसबुक लाइट, ऐसे विंडोज 7 को भी आप लाइट वर्जन बना सकते हैं जो कि कम रैम कंज्यूम करेगा। इसमें जस्ट कुछ नहीं है, इसमें एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपको सारे ही फीचर्स अनेबल और डिसेबल के रूप में मिल जाते हैं, जितनी भी एनिमेशन ग्राफिक्स हैं आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आप विंडोज 10 में भी कर सकते हैं, हालांकि विंडोज 10 के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रैम की वो 2GB है। अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि 2GB में आपकी जो विंडोज 10 है वो स्मूथली रन हो तो आप जितने भी एनिमेशन फैक्टर्स हैं आपके विंडोज 10 के उसको डिसेबल कर दीजिए, तो 2GB में आपकी विंडोज 10 प्रॉपर्ली रन कर पाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। टेक्निकल ओमू यहाँ पर लिखते हैं, वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग सर, थैंक यू सो मच टेक्निकल ओमू। इसके बाद सुरेश कुमार जी लिखते हैं, सुपर सर आपके वीडियोस ऑलवेज बेस्ट लर्निंग है, थैंक्स सर मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू सो मच सुरेश आपके सपोर्ट के लिए, आपके मोटिवेशनल कमेंट के लिए, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, अंजनी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल नेम है, इन्होंने कमेंट लिखा है, अपनी क्वेरी पूछिए। मैंने भी सर यूट्यूब चैनल बनाया, क्वालिटी कंटेंट भी डाला, आप चाहो तो देख लो, बट मेरा चैनल चलता नहीं, व्यूज नहीं आते, क्या करना होता है एक्चुअल में। तो अंजनी कंप्यूटर एजुकेशन जी, मैंने आपका चैनल विजिट किया और काफी सारे वीडियोस देखे, हालांकि आपके वीडियोस अच्छे हो सकते हैं लेकिन आपने एक कमी ये कर रखी है कि आपने सिर्फ टाइटल डाल रखा है, आपने अपने वीडियोस में कहीं भी टैग्स बहुत कम डाले हैं या फिर एक या दो ही डाले हैं। अपने वीडियोस तक रीच पहुंचाने के लिए आप कीवर्ड्स का यूज करें, उन्हीं कीवर्ड्स को आप टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, हर जगह मेंशन करें, जिससे कि जब कोई पर्सन गूगल पर कोई क्वेरी सर्च करे तो उस क्वेरी में आपका वीडियो भी आ पाए, YouTube आपके वीडियो को आगे प्रस्तुत कर पाए, यानी कि यूजर तक पहुंचा पाए। अगर आपके वीडियो में टैग्स ही नहीं होंगे या फिर कीवर्ड्स नहीं होंगे तो वो क्वेरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा टैग्स का यूज करें, कीवर्ड्स का यूज करें, जिस कीवर्ड पर, जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड की लिस्ट बनाएं, उनको टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में, तीनों जगह पर एक ही कीवर्ड के हिसाब से उनको मैनेज करते हुए यूज करें और SEO का बेटर यूज करें, आपके वीडियोस डेफिनेटली अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है द्रविन कुमार का, ये लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, प्लीज अपलोड सम डिटेल्स अबाउट MCQ ऑप्शनल्स लाइक टू गेट रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स हु आर अटेंडिंग क्वेश्चंस। तो द्रविन, इसके लिए डेफिनेटली एक वेब एप्लीकेशन हम आपके लिए क्रिएट करेंगे, एज जैसे इसमें हम यूजर से इनपुट लेने का यहाँ पर सोच रहे हैं कि जब हम कोई एक सपोज MCQ क्वेश्चन एप्लीकेशन बनाते हैं, यूजर उस पर क्लिक करेगा और उसका डेटा आपके पास स्टोर हो, तो स्टोर के लिए हमें डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे कंप्लीट एग्जाम टाइप, जिसमें कोई यूजर एग्जाम भी देगा तो उसका डेटा आपके पास शेयर होगा। तो वो कहां पर शेयर होगा, कैसे शेयर होगा, SQL यूज करेंगे या फिर कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, वो आपको उसी वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली एक वीडियो आएगा कंप्लीट प्रोसेस के साथ, एक डेमो ट्यूटोरियल आपको डेफिनेटली बताएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है क्लैशिंग क्लब का, और ये लिखते हैं, एप्पल डिवाइस से विंडोज में डेटा शेयर कैसे करें, डेटा ट्रांसफर कैसे करें। तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि एप्पल का फाइल सिस्टम अलग होता है, विंडोज का फाइल सिस्टम अलग होता है, जैसा कि आप जानते हैं NTFS फैक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि एप्पल से विंडोज में, विंडोज से एप्पल में अगर आप डेटा ट्रांसफर कर पाए तो आपको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज लेना होगा, जिसको आपको एक अलग फाइल सिस्टम पर फॉर्मेट करना होगा, और वो फाइल सिस्टम आप यूज कर सकते हैं XFAT का। जब आप विंडोज में अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा XFAT,
तो आप एक्सफैट पे फॉर्मेट करें, फिर आप दोनों से आप डेटा को अपना शेयर कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब मैंने दिए। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको एक डायरेक्शन देने में हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस वीडियो में, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। अगर आपको हमारे क्यू एंड ए अच्छा लगा हो इस तरीके से और आपके और भी क्वेरीज हो, तो हम इस तरह का क्यू एंड ए हर संडे अरेंज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपसे एक दिन पहले क्वेरीज के लिए पोस्ट करूंगा और आपको अपनी क्वेरीज पोस्ट करनी पड़ेगी। तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली दीजिएगा, मैं उस पर रिएक्ट करूंगा और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बस्टवी टेक। धन्यवाद।